हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी एक से बढ़कर एक क्लासें आ रही हैं और छोटी से छोटी क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करते हैं, ठीक है। और इसके पहले भी हमने काफ़ी सारी क्लासें पढ़ा दी हैं, हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और रात में जो है आपका 9 बजे बिल्कुल धुआंधार तरीके से कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है, तो आप लोग रात में 9 बजे बिल्कुल धुआंधार तरीके से डेली जुड़ा करें, ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और बिल्कुल फ्री में कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है और स्टार्टिंग भी हो गई है, ठीक है। तो सभी लोग डेली रात में 9 बजे कम्प्लीट कोर्स में ज़रूर जुड़ा करें। उसमें ऐसा होता है कि जो उसने पहले पढ़ लिया है उसके लिए भी यूजफुल है और जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी, क्योंकि हम वहाँ पर फास्ट वे में करवा रहे हैं और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करवा रहे हैं, जिससे कि आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगी और जो चीज़ आपको आती है आप कमेंट बॉक्स पे छापते जाएंगे, ठीक है। तो रात में 9 बजे सभी को जुड़ना है जिससे कि आपका बेहतर रिविज़न हो सके। चलिए, अपनी जो ये क्लास है शॉर्ट वीडियो वाली, इसको स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट की क्लास में हम आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करते हैं। तो रेडी है सभी लोग, क्लास स्टार्ट की जाए। हाँ, टॉपिक आपको सभी को पता है ना, आज हमें क्या पढ़ना है। हाँ चलिए, आज हमें संग्रहालय पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है आज हमें? संग्रहालय पढ़ने हैं और इनकी स्थापना कब होती है ये पढ़ना है, और जो आपकी एकेडमी है, सैलून है, इन सभी को आज हम निपटाएंगे। इनके स्थापना वर्ष और कहाँ पर पड़ता है, स्थान, प्लेस, ये सब कुछ आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी को पता है ना कि धुआंधार क्लास होने वाली है, फिर आप लोग कम क्यों रहते हैं? सभी लोग बिल्कुल टाइम से आ जाए करिए। चलिए, अब क्लास स्टार्ट करते हैं बिल्कुल धुआंधार तरीके से। और पढ़ना क्या है हमें? पढ़ना है हमें विश्व के प्रमुख संग्रहालय और अकादमी और सैलून। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर प्लेस है, आपको यहाँ स्थापना वर्ष है। चलिए, पहला जो आपका दिया है ये लूवर म्यूज़ियम, बहुत पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट भी है और लगभग लोगों को पता भी है। कहाँ पर है आपका? पेरिस, फ्रांस में। और कब स्थापना होती है? 1793 में होती है, ठीक है, ये याद रख लीजिए। वैसे तो पेरिस सभी को पता होता है, लेकिन स्थापना वर्ष भी याद रखिएगा, 1793 में। फिर दे रहा है लग्जमबर्ग म्यूज़ियम, ये कहाँ है? ये भी पेरिस, फ्रांस में है और इसकी स्थापना होती है 1750 में। फिर दे रहा है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, पेरिस, फ्रांस, 1986 में स्थापना होती है। म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑफ द सिटी ऑफ पेरिस, ये कहाँ है? तो ये आपका पेरिस में ही है और इसकी स्थापना 1961 में होती है। तो देखिए, पेरिस से हमने 4 चीज़ें पढ़ी, कौन कौन सी? लूवर म्यूज़ियम, लग्जमबर्ग म्यूज़ियम, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑफ द सिटी ऑफ पेरिस। ये चारों कहाँ हैं? पेरिस, फ्रांस में है। और लूवर म्यूज़ियम की स्थापना 1793 में, लग्जमबर्ग म्यूज़ियम की 1750 में, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट की 1986 में, एंड लास्ट है म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑफ द सिटी ऑफ पेरिस, इसकी 1961। समझ में आ गया? यहाँ से कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे आता है मेट्रोपॉलियन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट, ये कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स में है, 1870 में स्थापित हुआ है। और द म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये भी न्यूयॉर्क सिटी में है, 1129 में स्थापना होती है। तो ये 2 चीज़ें कहाँ हैं? न्यूयॉर्क में। कौन कौन? मेट्रोपॉलियन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट और द म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये दोनों न्यूयॉर्क सिटी में है और इसकी स्थापना 1870 में और इसकी स्थापना 1129 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ रहा है नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट, ये वॉशिंगटन में है, यूनाइटेड स्टेट, 1937 में स्थापित हुआ है। और म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट, ये बोस्टन में है, 1870 में स्थापित होता है। और द यंग म्यूज़ियम, ये सैन फ्रांसिस्को में है, 1893
95 में होता है और सोलोमन आर गुगनेनियम म्यूज़ियम ये न्यूयॉर्क सिटी में है 1937। ये सब यूनाइटेड स्टेट्स के चल रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। आगे है आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, ये शिकागो में है, 1892 में स्थापित होता है। और ब्रिटिश म्यूज़ियम ये लंदन में है, 1753 में स्थापित हुआ। नेशनल गैलरी ये लंदन में है, 1824 में स्थापना होती है। टेट मॉडर्न लंदन में है, 2000 ईस्वी में होती है। टेट ब्रिटेन ये भी लंदन में 1997 में स्थापना, याद रखिएगा स्थापना वर्ष इसके इम्पॉर्टेंट हैं। फिर है टेट लिवरपूल, ये भी लंदन में है। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम ये भी लंदन में है, और टेट लिवरपूल की स्थापना 1988 में होती है। इसकी अभी और देख लेते हैं नीचे, ठीक है। तो लंदन से हमने कितने पढ़े, इनको समझिए, लंदन से हमने इतने पढ़े, कौन कौन से, ब्रिटिश म्यूज़ियम, नेशनल गैलरी, टेट मॉडर्न, टेट ब्रिटेन, टेट लिवरपूल, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम, ठीक है। इतने हमने कहाँ के पढ़े, लंदन के पढ़े, और इनके स्थापना वर्ष क्या पढ़े, ब्रिटिश म्यूज़ियम 1753, नेशनल गैलरी 1824, टेट मॉडर्न 2000, टेट ब्रिटेन 1897, टेट लिवरपूल 1988, ठीक है। अभी हम आगे और देख लेते हैं, इनको भी रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ लिए हैं। चलिए देख लेते हैं, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वॉशिंगटन, म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बोस्टन, द यंग म्यूजियम ये इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिए सैन फ्रांसिस्को, सोलोमन आर गुगनेनियम म्यूजियम ये न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, स्थापना वर्ष हमने बता ही दिया। देखिए क्लास को कम से कम 4 से 5 बार सुनना है आपको, केवल सुनना है, देखना नहीं है, क्योंकि देखने में आपका दिमाग भड़बड़ा जाएगा। पहली बार आपको वीडियो देखनी है, साथ में सुनना भी है, लेकिन जब सेकेंड और थर्ड बार आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं देखना है, केवल सुनना है। सुनने से आपके दिमाग में जो आपने पढ़ा है वो स्थायी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली बहुत दिमाग लगा के अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना हर चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, विश्व के संग्रहालय, एकेडमी और सैलून वगैरह, इन सब चीज़ों के आज हम लिस्ट आपको लाए हैं, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम लिंक में दे देंगे, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। चलिए तो यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये बताना था विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम, इसकी स्थापना 1856 में होती है, जो कि कहाँ है, लंदन में है। एंड फिर दे रहा है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ स्कॉटलैंड, इसकी ये कहाँ है, स्कॉटलैंड यूनाइटेड स्टेट्स में है, 1866 में इसकी स्थापना होती है। फिर रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट क्या है, रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट ये आपका लंदन में है, इसकी स्थापना 1768 में होती है। तो ये तीन चीज़ें आपकी जो यूनाइटेड स्टेट्स से थी, कौन कौन सी, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम और नेशनल म्यूज़ियम ऑफ स्कॉटलैंड और रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट, सॉरी ये यूनाइटेड किंगडम की है, वो यूनाइटेड स्टेट्स की है, ठीक है। तो 1856, 1866, 1768 ये सब चीज़ें हमने आपको बता दी अच्छे से, ठीक है, वही चीज़ है, ठीक है। आगे चलते हैं, दे रहा है म्यूज़ियम द प्राडो, मैड्रिड स्पेन में है, 1819 में स्थापित होता है। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ 20वीं सेंचुरी आर्ट, मतलब क्वीन सोफिया म्यूज़ियम, कुछ भी पूछ ले आपको याद रखना है, ये भी आपका मैड्रिड स्पेन में ही है। ये दोनों कौन कौन से, म्यूज़ियम द प्राडो एंड सेकेंड है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ 20वीं सेंचुरी आर्ट, ये दोनों कहाँ हैं आपके, पहला है 1819 ईस्वी में, दूसरा है 1992 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ से समस्या किसी को, नेक्स्ट चलते हैं, दे रहा है यूंगेनियम जो आपका म्यूज़ियम है ये कहाँ है, तो बिलबाओ स्पेन में है, 1997 ईस्वी में है, ठीक है, स्थापना होती है। और दे रहा है नेशनल आर्ट म्यूज़ियम ऑफ कैटलोनिया, ये कहाँ है, ये कैटलोनिया स्पेन में है और 1929 में स्थापित होता है। फिर दे रहा है स्टेट होर्मिटॉज म्यूज़ियम, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है और स्थापित होता है 1764 ईस्वी में। फिर दे रहा है द डॉग इज पैलेस म्यूज़ियम कहाँ है, वेनिस इटली में, 1923 में स्थापित होता है। तो फिर से देख लीजिए फटाफट से,
यूंगेनियम म्यूजियम कहाँ है? बिलबाओ स्पेन में। नेशनल आर्ट म्यूजियम ऑफ कैटलोनिया कहाँ है? कैटलोनिया स्पेन में। स्टेट हॉर्मिटोज जो आपका ये म्यूजियम है, ये है आपका रूस सेंट पीटर्सबर्ग में। और द टोगेस द डॉगेस पैलेस म्यूजियम ये कहाँ है? ये है आपका वेनिस इटली में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लेते हैं। चलिए, तो फिर दे रहा है न्यू म्यूजियम, ये बर्लिन जर्मनी में है, 1855 में स्थापित होता है। फिर दे रहा है ओल्ड मास्टर्स पिक्चर गैलरी, ये ड्रेसडेन जर्मनी में है और 1560 में स्थापित होता है। फिर है पेरगामॉन म्यूजियम, क्या है? पेरगामॉन म्यूजियम सॉरी बर्लिन जर्मनी में है और स्थापित होता है 1910 ईस्वी में। ठीक है, फिर दे रहा है एक्रोपोलिस म्यूजियम, ये आपका एथेंस ग्रीस में है, 2008 ईस्वी में स्थापित होता है। ठीक है, थोड़ा सा वर्ल्ड इसके बहुत अजीब टाइप के हैं, तो थोड़ा सा वो हो जाता है। चलिए समझिएगा, क्या है न्यू म्यूजियम, ये आपका बर्लिन में है, ओल्ड मास्टर्स पिक्चर गैलरी ड्रेसडेन में है, पेरगामॉन म्यूजियम बर्लिन में है, एक्रोपोलिस म्यूजियम एथेंस में है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, समझ लीजिए, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट देखिए, इसकी पीडीएफ हम आपको डाल देंगे टेलीग्राम में, परेशान नहीं होना है। आगे म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट इस ये है कहाँ पर? वीना ऑस्ट्रिया में, और 1891 में स्थापित होता है। ऐसे ही वेटिकन म्यूजियम है, वेटिकन सिटी इटली में है, 1556 में स्थापित होता है। फिर दे रहा है यूफिजी गैलरी, ये फ्लोरेंस इटली में है और स्थापित 1765 में। दे रहा है कुन स्थितो रिचेस म्यूजियम, ये कहाँ है? ये आपके वीना ऑस्ट्रिया में है, 1891 में स्थापित होता है। फिर है रैना सोफिया, ये मैड्रिड स्पेन में है, 1992 में स्थापित होता है। तो कौन कौन से पढ़े हमने? म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट वीना में, वेटिकन म्यूजियम वेटिकन सिटी में, यूफिजी गैलरी फ्लोरेंस इटली में, कुनेस्थिरोटेस जो यू म्यूजियम है ये वीना में है, और रैन सोफिया ये मैड्रिड स्पेन में है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न एंड कंटेम्परेरी आर्ट ये रोम इटली में है और 1883 में इसका स्थापित होता है। नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली भारत में, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, 1949 में स्थापित होता है। एंड फिर दे रहा है, फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आपके कहाँ? नई दिल्ली भारत में है, 1954 में स्थापित होता है। इसको बिल्कुल से रट के रखिएगा जो ये अब आ रहे हैं आपके सामने। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई भारत में है, स्थापित होता है 1922 ईस्वी में। एंड फिर है विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम कोलकाता भारत में है, 1921 में स्थापित होता है। तो फिर से देख लीजिए एक बार, अभी और है एक कोलकाता भारत, हाँ बता दिया, इसको पढ़िए जल्दी से। नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली 1949 में स्थापित। फिर है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली भारत में है, 1954 में स्थापित। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई 1922 में स्थापित। विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम कोलकाता में 1921 में स्थापित। और फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लेते हैं। रॉयल एकेडमी ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर पेरिस फ्रांस में है, 1648 में स्थापित होता है। और फिर दे रहा है बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रट लीजिए अब यहाँ से, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सालार जंग जो म्यूजियम है ये हैदराबाद भारत में है, स्थापित होता है 1951 में। और भारत कला भवन ये वाराणसी भारत में है, 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चल रहे हैं, अब यहाँ से बिल्कुल से दिमाग खोल लीजिए। एकेडमी ऑफ म्यूजियम ये पेरिस फ्रांस में है, 1699 में स्थापित है। और फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट ये फिलाडेल्फिया यूनाइटेड स्टेट्स में है, 1876 में होती है। और भारत भवन संग्रहालय भोपाल भारत में है, 1882 ईस्वी में। और फिर दे रहा है म्यूजी द ओरसाय ये पेरिस फ्रांस में है, 1886 में होती है। फिर से सुन लीजिए इनको एक बार, रिपीट हो जाए आपका थोड़ा सा। रॉयल एकेडमी ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर पेरिस फ्रांस में है, 1648 में स्थापित है। सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में है, 1951 में होती है।
भारत कला भवन वाराणसी में है, 1920 में होती है स्थापना। एकेडमी ऑफ म्यूजियम पेरिस फ्रांस में है, 1699 में स्थापित होता है। एंड दे रहा है फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट फिलाडेल्फिया में है, जो कि 1876 में स्थापित होता है। फिर क्या है, भारत भवन संग्रहालय भोपाल में 1882 में स्थापित होता है। एंड फिर दे रहा है म्यूजी द ओरसाय, जो कि पेरिस में है, 1886 में स्थापित होता है। ठीक है, देखिए हम साथ में रिवीजन भी करवाते जा रहे हैं ताकि आप लोगों को बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और जब आप दोबारा इसको पढ़ें तो आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, बस हमारा इसी उद्देश्य से हम बार बार इसको पढ़ा रहे हैं, रिवीजन भी करवा रहे हैं साथ में, कि जब आप एक बार आँखों के सामने से देख लेंगे और सुन लेंगे तो एक बार तो आपको पढ़ लिया, लेकिन जब आप दोबारा में सुनेंगे और दोबारा में भी दोबारा रिवीजन होगा तो आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। हाँ, तो इस उद्देश्य से हम आपको पढ़ा रहे हैं। आगे देख रहे हैं इंडियन म्यूजियम, ये कहाँ है, ये आपके कोलकाता भारत में है। स्थापना पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है, 1854 में होती है। एंड दे रहा है फ्रेंच एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट, ये कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। इसकी स्थापना 1795 में। फिर दे रहा है सैलन द पेरिस, तो ये पेरिस फ्रांस में है, 1725 में स्थापित होता है। तो क्या बताया, म्यूजी द ओरसाय पेरिस में, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में, फ्रेंच एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट पेरिस में, सैलन द पेरिस पेरिस में। आगे आगे देखते हैं तो दे रहा है ऑफिशियल सैलून पेरिस फ्रांस में, 1863 में स्थापित है। सैलन द रिफ्यूजेस पेरिस फ्रांस में, 1863 ईस्वी में। सैलन द इंडिपेंडेंस, ये पेरिस फ्रांस में, 1864 ईस्वी में। एंड सैलन द ऑटम, ये पेरिस फ्रांस में, 1903 में स्थापित होता है। एंड सेसेशन, ये क्या है, म्यूनिख जर्मनी में है, और ये 1892 ईस्वी में। एंड सेसेशन एक वीना ऑस्ट्रिया में भी है, इसकी स्थापना 1897 में। एंड सेसेशन एक बर्लिन में भी है जर्मनी में, इसकी स्थापना 1898। तो समझिए, ऊपर के जो पेरिस के थे इनको देखते हैं, ऑफिशियल सैलून पेरिस में है, द सैलन द रिफ्यूजेस ये भी पेरिस में, सैलन द इंडिपेंडेंस ये भी पेरिस में, सैलन द ऑटम ये भी पेरिस में। ठीक है, इनकी स्थापना हमने आपको बता दी। फिर दे रहा है सेसेशन म्यूनिख वाले की स्थापना 1892 में, वीना वाले की 1897 में, और बर्लिन वाला जो है इसकी 1898 में होती है। ठीक है, समझ गए। आगे एकेडमी स्विसे, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पेरिस में है, स्थापना होती है 1860 में। और ब्रेरा एकेडमी, ये मिलान इटली में है, और 1776 में स्थापित है। ग्लेमर एकेडमी पेरिस फ्रांस में, 1862 में। इनकी ना केवल ये मतलब कुछ ही याद कर लीजिएगा, बाकी नहीं याद करिएगा। क्या दे रहा है, कहाँ गया, हाँ ये है एकेडमी स्विसे जो है ये पेरिस में, ब्रेरा एकेडमी मिलान, और ग्लेमर एकेडमी पेरिस में, एकेडमी कैरियर पेरिस फ्रांस में। इसको देखते हैं आगे, रुकिए, चलिए एकेडमी करियर कहाँ से देखना था, हाँ एकेडमी कैरियर ये आपका पेरिस फ्रांस से, और ये 1898 में स्थापित होता है। फिर दे रहा है एकेडमी हम्बर्ट, ये पेरिस फ्रांस में है, स्थापित होता है 1898 में। और गुरलिट गैलरी, ये बर्लिन जर्मनी में है, 1907 में स्थापित होता है। और एकेडमी रॉनसन, ये पेरिस में है, 1908 में स्थापित होता है। तो एक बार एक काम करते हैं, जल्दी से फटाफट से ये जो 63 हमने आपकी एकेडमी और सैलून और आपके संग्रहालय पढ़े, इनको एक बार जल्दी से इसकी स्थिति देख लेते हैं। ठीक है, चलिए दौड़ लगा के एक बार देख लेते हैं, तो क्या है, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, लूव्र म्यूजियम पेरिस, लग्जमबर्ग म्यूजियम पेरिस, नेशनल म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट पेरिस, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑफ द सिटी ऑफ पेरिस ये भी पेरिस में है, मेट्रोपॉलियन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क सिटी, द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क सिटी, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वॉशिंगटन, म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बोस्टन, द यंग म्यूजियम सैन फ्रांसिस्को, सोलोमान आर गुन्हेनियम जो आपका म्यूजियम है ये आपका न्यूयॉर्क सिटी, आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो शिकागो, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। आगे हम बार बार आपको इसलिए नहीं समझा रहे कि हम बिल्कुल पागल हैं, ठीक है, हम इसलिए बता रहे हैं कि आप जितने बार सुनेंगे जितने बार देखेंगे उतनी बार आपका बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। चलिए फिर क्या है, नेशनल गैलरी लंदन,
टेट मॉडर्न लंदन, टेट ब्रिटेन लंदन, मतलब ये सब लंदन में जो है ना इनके हमने स्थापना वर्ष भी बताए हैं, पढ़ लीजिएगा। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन, नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड, रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट लंदन में है, म्यूजियम द प्राडो मैड्रिड, नेशनल म्यूजियम ऑफ 20वीं सेंचुरी आर्ट मैड्रिड, यूंगेनियम म्यूजियम बिलबाओ स्पेन में। आगे नेशनल आर्ट म्यूजियम ऑफ कैटलोनिया कैटलोनिया, स्टेट हॉर्मिटोज म्यूजियम सेंट पीटर्सबर्ग, द डॉगिज पैलेस म्यूजियम वेनिस में, न्यू म्यूजियम बर्लिन, ओल्ड मास्टर्स पिक्चर गैलरी ड्रेसडेन में, पुर्गमान म्यूजियम बर्लिन, एक्रोपोलिस म्यूजियम एथेंस ग्रीस में। आगे म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट वीना, वेटिकन म्यूजियम वेटिकन सिटी इटली, यूफिजी गैलरी फ्लोरेंस इटली, कुनेस्थिटोरेचेज, ये जो दिया है ना इसको देख लीजिए, बहुत अजीब टाइप का नाम है, वीना ऑस्ट्रिया में है, रेना सोफिया मैड्रिड स्पेन में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट रोम इटली में, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली भारत में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली भारत में, और क्या है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई भारत में, विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम कोलकाता भारत में, रॉयल एकेडमी ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर पेरिस फ्रांस में, सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद भारत में। आगे भारत कला भवन वाराणसी भारत में, एकेडमी ऑफ म्यूजियम पेरिस फ्रांस में, फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट फिलाडेल्फिया में है, भारत भवन भोपाल में है, म्यूजी द ऑर्साय पेरिस, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, फ्रेंच एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट पेरिस, सैलन द पेरिस पेरिस फ्रांस में, ऑफिशियल सैलून पेरिस फ्रांस, सैलन द रिफ्यूजिस पेरिस, सैलन द इंडिपेंडेंस पेरिस पेरिस में है, और सैलन द ऑटम ये भी पेरिस में है। आगे आगे दे रहा है शेषेशन जो है, ये तीनों अलग अलग हैं, एक म्यूनिक में है, वीना में है, बर्लिन में है, तीनों में हमने बताया है स्थापना भी, और एकेडमी स्विसे पेरिस में, ब्रेरा एकेडमी मिलान, ग्लेमर एकेडमी पेरिस, एकेडमी कैरियर पेरिस, एकेडमी हम्बर्ट पेरिस, गोल्ड गैलरी बर्लिन में है, एकेडमी रॉन्सन पेरिस। ठीक है, इस तरह से हमने आज आपके जितने भी आपके संग्रहालय थे, स्थापना थी, और जहाँ पर जिस प्लेस में वो स्थापित है, वो हमने आपको आज एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जो बच्चे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, और क्लास कैसी लगी, मज़ा आया नहीं आया, देखिए बहुत हेल्पफुल क्लास है, हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, और ये भी सोचते हैं कि कम टाइम में ही आपका रिवीजन भी हो जाए, जिससे आप जब दोबारा सुने तो आपका बिल्कुल से कंठस्थ हो जाए, चीज़ बिल्कुल से रट जाए। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और ऐसे ही क्लास पाने के लिए जुड़े रहें अपनी वैष्णवी मैम के साथ। ठीक है, चलिए फिर, वैसे आप लोगों ने नाम तो हमारा बहुत तेज़ी से बिगाड़ा है, खड़ूस मैम रखा है, बताइए, मतलब इतनी प्यारी सी मैम, बिल्कुल कोमल सी, फूल भी, फूल से भी हल्की मैम, खड़ूस मैम रख दिया है नाम, पागलो। चलिए फिर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलिए।